दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए, तो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि फॉर्म फिल करना, करेक्ट फिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप कहीं भी गलती कर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कौन से फॉर्म फिल कैसे भरना है, क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। उससे पहले, हमारे चैनल पांडे गुरुजी पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखते हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टार्ट है वो 1 जून से है, और जो लास्ट डेट फिल करने का वो 30 जून है। तो आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग डेट में ही एग्जाम फॉर्म को फिल करें, ताकि लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन को फॉर्म को फिल करने से पहले आप ये वेबसाइट को जा सकते हैं, कॉन्स्टेबल में अपने लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप उससे पहले भी एक पूरे नोटिफिकेशन जो रिलीज किया हुआ है उसको एक बार शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो उससे पहले यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है। आपको गेट रजिस्टर्ड नंबर पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है वो है, वो आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जोन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। आप यहाँ पे देख, दोस्तों बताते हैं कि आप एक ही ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा चतुराई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप चतुराई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो दोनों पे आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है, क्योंकि आपका करेक्ट मोबाइल नंबर है क्या नहीं। तो फिल करने से पहले आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे आएंगे। उसके बाद उस होगा कि पार्ट टू एंड पार्ट थ्री का एक एप्लीकेशन आएगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल फिल करना है। उसके बाद बैंक डिटेल फिल करना है, जहां के आपको अमाउंट रिफंड होगा। तो उसके बाद जो आएगा वो होगा अपलोडिंग द फोटोग्राफी, जो कि फ़ोटो सिग्नेचर, जिसमें नाम और डेट फोटो में प्रिंटेड होना चाहिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ता नहीं तो आपका फ़ोटो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो फॉर्म का होगा वो फॉर्मेट होगा 100 DPI, जिसका साइज होगा 15 to 40 KB। तो आप फोटो को ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन या कहीं से भी जाके आपको फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि तभी ये अपलोड लेगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट मार देगा फ़ोटो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन। तो उससे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेक्ट ए ग्रुप टू अप्लाई। ग्रुप मीन्स यहाँ पे हर एक रेलवे का जोन वाइज दिया हुआ है, SR, SWR, SCR। SR सारे ग्रुप का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म दिया हुआ है, मीन्स आप जिस भी रेलवे के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वही ग्रुप को सिलेक्ट करें। साउथ रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, तो ऐसे आप एब्रिवेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको गूगल में जाइए, आपको रेलवे कौन सा रेलवे में अप्लाई करना है, तो उस कौन सा रेलवे के अंदर आता है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ग्रुप पे क्लिक कीजिए, जिस ग्रुप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद ये विंडो ऐसे ओपन होगा। उसके बाद ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि दिया हुआ कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले रोजगार संख्या
की जानकारी संविधा पूर्वक पढ़ें। जो भी ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है रेलवे ने, तो इसको एडवर्टीजमेंट को आप शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें। उसके बाद उम्मीदवारों को केवल एक जोन ग्रुप का पर आवेदन करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के लिए किसी भी समय पर डुप्लीकेट एप्लीकेशन पाए जाते हैं तो एप्लीकेशन अस्वीकार कर दिया जाएगा। मीन्स आप एक ग्रुप ए पे अप्लाई किए, उसके बाद फिर से ग्रुप बी पे अप्लाई कर दिए, तो ये आपका डुप्लीकेसी होगा और आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी ग्रुप में एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार आवेदन में उल्लिखित किसी भी विवरण को चयनित जर्नल ग्रुप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का संशोधन शुल्क मीन 250 रुपये भुगतान करने के बदल सकते हैं। इस तरह के संशोधन केवल दो बार दिया जाएगा। आपको जो भी किए हैं डाले हैं उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार प्रयोग किए जाने वाले जर्नल ग्रुप का चयन अंतिम होगा और जर्नल ग्रुप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मीन्स आप सपोज वो ग्रुप ए सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप ग्रुप बी को चेंज कर नहीं सकते हैं, आपको ग्रुप ए में ही रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट डाउन करें अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी दिक्कत कठिनाई नहीं हो। उसके बाद है, उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आवेदन की प्रक्रिया है, वो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स आप सबसे पहले अपनी कंप्लीट डिटेल करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ उसका वेरीफाई होगा, सत्यापन होगा। उसके बाद ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक, मीन्स ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए। आप डुप्लीकेट मेल आईडी नहीं यूज किए, मीन्स किसी दोस्त का यूज कर लिए, वो भी यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं, मोबाइल नंबर भी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ओटीपी और ज्वाइनिंग से लेके एग्जामिनेशन के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे भेजा जाएगा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपके घर पे नहीं आएगा। उसके बाद जो है वो भाग टू और भाग थ्री, जिसमें शिक्षा योग्यता और रेलवे परीक्षा वगैरह में को भी जो भी आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्या है, सारे डिटेल इसमें फिल किया जाएगा। उसके बाद बैंक का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद आप फोटो और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर है, वो अपलोड कर सके। डॉक्यूमेंट बोले तो एस सी एस टी का प्रमाण पत्र देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके लिए छूट ले रहे हैं, आपको उसमें छूट दी जा रही है, तो आपको डॉक्यूमेंट, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एस सी एस टी हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दोनों पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नाम जो भी मैट्रिक में दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करें। आप जो भी नाम यहाँ पे फिल किए हैं वही नाम यहाँ पे कंप्लीट फिल करें, सेम टू सेम होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जन्म तिथि फिल करें जो कि आपको मैट्रिक में या एडमिट कार्ड में दिया हुआ हो। उसके बाद जेंडर स्लिप फिल करें। उसके बाद आधार कार्ड की स्थिति, आधार कार्ड की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आई हैव आधार कार्ड, मीन्स सपोज आपको आधार कार्ड नहीं है तो आप अब क्या लिखिएगा, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, बट अभी सभी लोग को पास आधार कार्ड होता है तो आई हैव आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालें। उसके बाद यहाँ पे क्या, अपने फादर्स का नाम डालें। आपको याद हो जो भी फादर्स का नाम कभी कभी मिसमैच होता है स्पेलिंग, तो आप जो भी एस सी टेंथ और एस एस सी टेंथ का सर्टिफिकेट में हो वही डालें। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड में या पेन कार्ड में डिफरेंट स्पेलिंग हो जाता है, तो जो भी स्पेलिंग आपको टेंथ में हो वही स्पेलिंग डालें। सेम अपने माता का नाम डालें, मदर्स नेम डालें। उसके बाद यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है उसको डालें, आप कब पास किए हुए हैं उसके डेट यहाँ पे डालें। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। उसके बाद ये जो लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेटर लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना है, तो ओटीपी वेरीफाई करने से के लिए आपको यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन में जाइए और ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आने के बाद आप जिस ग्रुप पे सिलेक्ट किए थे उस ग्रुप पे सिलेक्ट कीजिए। तो हम लोग ग्रुप ए सिलेक्ट किए थे, तो आप ग्रुप ए पे सिलेक्ट कीजिए। तो आपको मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन मेल आईडी पे यहाँ पे आपको ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे पुट करना है। ओटीपी पुट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको ये विंडो आएगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा आपका नाम, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कृपया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपने समस्त भावी प्रचार के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें। आप अपने रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि से लॉगिन करके शेष चरण का पूरा कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो नंबर जो मिला हुआ है आपको कहीं पे नोट डाउन करके रखें, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख लिया। उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताते हैं। आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जन्म तिथि डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट जो पार्ट टू और पार्ट थ्री का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके बैंक डिटेल और आपको फोटो अपलोड करना है, वो आके प्रोसेस में मिलेगा। तो चलिए वो प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद, आप कभी भी इन फ्यूचर आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन को प्रिंट करना है, मॉडिफाई एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और जिस ग्रुप पे अप्लाई किए हैं उस ग्रुप पे क्लिक कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कुछ मॉडिफाई करना है, आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अगेन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ से आप ये लॉगिन करके आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एग्जामिनेशन का ये फॉर्म को फिल करने में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आपका क्वेश्चन को, आपके क्वायरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, रेलवे एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल और सारे न्यूज एंड अपडेट मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।